एक बहुत ही मजेदार और रोचक फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की दो मेन पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे कि बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉन एफ कैनेडी, उस पार्टी का जो चोन निशान है, जो वोटिंग सिंबल है, वो एक डोंकी है। जी हाँ, उनकी पार्टी का जो वोटिंग सिंबल है वो एक डोंकी है। और ये डोंकी क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे। वो कहानी इस तरह से है कि 1828 में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन उस समय कैंडिडेट थे, और उनके जो ओपोनेंट थे वो उनका मजाक उड़ाते थे। जो उनके ऑपोजिट कंटेस्ट कर रहे थे, जो ऑपोजिट पार्टी वाले जो कंटेस्ट कर रहे थे, उनका खूब मजाक उड़ाते थे, और एंड्रयू जैक्सन को एंड्रयू जैकैस कह के उनको छेड़ते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको जैक्सन की जगह जैक एस कहते थे। और जैसे कि जैक एस जो है वो एक अच्छा शब्द नहीं गिना जाता, तो उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, उनको बहुत ट्रोल किया जाता था कि भी इनको जो है जैकेस कहते हैं, जैकेस जैकेस। तो उन्होंने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना लिया, उन्होंने जो जैकेस और उनके जो कैंपेन के पोस्टर्स थे उनके ऊपर उन्होंने डोंकी के पोस्टर्स लगा दिए थे, तो उन्होंने उसी को अपना एक सिंबल बना लिया। उसी को कैंपेन करने के लिए उन्होंने इसी चीज़ को अपना नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया, और उसको डोंकी को ही उन्होंने यूज़ किया अपने प्रचार के लिए। और उसके बाद एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, थॉमस नेस्ट, उन्होंने अपनी एक पब्लिकेशन में डेमोक्रेटिक पार्टी को जब वो जीती, और उसका एक विनिंग सिंबल में जैसे डोंकी अपने किक करके बाकी जानवरों को भगा रहा है, उसमें शेर को दौड़ा दिया, उसने ऐसा एक कार्टून बनाया जो कि वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो गया। और उस इंसिडेंट के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सिंबल, जो अपनी पार्टी का सिंबल है, वो डोंकी को ऑप्ट कर लिया, और आज तक यही उनका सिंबल चलता आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।